नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है पीपोये। मैं हूं आकाश और मैं करता हूं पर्दाफाश। कैसे हैं आप? आपका स्वागत है इस डे 102 के रिव्यू में। जैसा हमने हमेशा से बोला, देखिए कंसिस्टेंट हैं, कुछ नहीं रोक सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं रोक सकती। कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं पर उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। देखिए हम कहीं कैरी मिनाटी नहीं है, हम कहीं और नहीं है, जो कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स उनको बहुत बड़ा बना के बच्चे की तरह रोने लगे। तो चिंता मत करिए, जितने भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच। और देखिए एक ही चीज़ कहेंगे कि चैनल कोई भी ख़त्म हो जाए, प्रकाश भाई है ना सच का पर्दाफाश, जो झूठ का पर्दाफाश और सच को आगे लाना नहीं छोड़ेंगे। तो इसके एक तरीका है, आप क्या कर सकते हैं, जितने भी लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां जरूर फॉलो करें, ट्विटर पे जरूर पर्दाफाश करेंगे, इंस्टाग्राम पे जरूर रियल टाइम आपके साथ रहेंगे, फेसबुक पे आप जा सकते हैं, और यहां आपको एक लिंक मिलेगा आई बटन में जहां हमारा एक और चैनल है, वहां भी आप माइग्रेट कर सकते हैं अगर यहां नहीं तो कहीं और। पर अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ नहीं है, पर आप देखेंगे कि ज़्यादा यू नो आई विल नॉट यूज़ मैनी मैनी पिक्चर्स एंड यू नो आई विल नॉट यूज़ मच मोर यू नो देन व्हाट यू आर सीइंग ऑलरेडी। पर ये बहुत है, देखिए आकाश भाई हैं, आकाश भाई की ज़ुबान और क्या चाहिए, और आप सब हैं तो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे, लाइव चैट नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ यू नो आई एम हैविंग इशूज़ विद दैट, बट कोई बात नहीं, प्रॉब्लम्स तो हर किसी को आती हैं, पर जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो जब गिरते हैं तो उठ के फिर से भागना कैसे वो आकाश भाई को अच्छे ढंग से आता है, और वही चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में यही करें। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आई होप दैट इंस्पायर्स यू एंड ऑल। और देखिए अगर एवरी डे इज़ अ विनिंग डे, एवरी डे यू हैव टू विन, तो कुछ ना कुछ करके आई एम विनिंग टुडे एंड इट्स नथिंग टू गेट डील मोर राइट। चलिए अब रिव्यू करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, ये सारी बातें तो होती रहेंगी, पर आज बहुत बहुत मज़ा आया क्योंकि आज बनी जो बिग बॉस का घर है पूरा बन गया, किस चीज़ में, विकास सिटी में। तो बहुत बहुत मज़ा आया देख के, और ये जो है हमें याद दिला दी सीजन 8 की, जब गौतम गुलाटी बने थे और वो गाना गाया था उन्होंने वी लव गौती, तो वो अभी तक याद है और बहुत बहुत बढ़िया था। और जो गौतम ने किया था थोड़ा पहले किया था, पर ये जो टाइमिंग है इस टास्क की थोड़ी लेट हो गई, हमें लगता है अगर थोड़ा और पहले करते तो और लोग होते, एकाश होते और मज़ा आता, और बहुत लोग होते तो मज़ा आता। पर एनीवेज देखिए जो लास्ट हफ्ता है उसमें कुछ ना कुछ तो कंटेंट देना था, तो ये क्या कर रहे हैं, चार लोगों के बीच में भी बहुत कुछ कर रहे हैं। और देखिए आप पूरा एपिसोड अगर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे पूरा ही इसी टास्क के अराउंड था, और भी कुछ नहीं हुआ, एक कॉन्वर्सेशन जरूर उसके बारे में बात करेंगे पर उसके अलावा और कुछ नहीं था पूरे दिन। तो आप समझ सकते हैं जो बिग बॉस की टीम है बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, चार लोग रह जाएंगे, जब तो उन्होंने एक टास्क दिया ये वाला जो विकास सिटी वाला है, और जो विकास है उन्होंने स्टार्ट बड़ा अच्छा किया पर कुछ प्रॉब्लम आई, बात करेंगे उसके बारे में। पर सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं जो कन्वर्सेशन हो रही थी किचन में शिल्पा के बीच में और विकास के बीच में। तो शिल्पा और विकास बात कर रहे थे, और जो विकास हैं वो बता रहे थे कि पुनीश को कि भाई इनका गेम तो मुझे बहुत बाद में समझ में आया, शिल्पा जी क्या कर रही थी, मैं इधर जाता था तो चाय में कुछ मिला देती थी, कुछ देती थी, और ये जो गेम बड़ा अच्छा खेल रही थी। तो गाइस जो जब ये विकास बोल रहे थे सब कुछ, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं ना कि जो शिल्पा ने टास्क नहीं किया नहीं किया नहीं किया, तो आप सोचिए शिल्पा तो इतनी गेम पहले से ही खेल रही है, पहले दिन से खेल रही थी, पूरे तीन हफ्ते चार हफ्ते छाई हुई थी, जब जुबैर गए उसके बाद नेक्स्ट थ्री हफ्ते बस शिल्पा शिल्पा ही हो रहा था, और उस टाइम में जो शिल्पा ने अपने फैंस बनाए वास्तव में वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें गलत क्या है। और देखिए टास्क नहीं कर रही टास्क नहीं कर रही, तो आज उन्होंने वो भी दिखा दिया, पर उससे पहले एक बात सोचिए, जो एक बात विकास नहीं बोली थी इस सीज़न में, तो जो कहानी उन्होंने रची है एक तरह से, अगर उन्होंने जो जो पूरा एंटरटेनमेंट दिया है, जो रिश्ते बनाए हैं, चाहे जो भी है रियल है फेक उसकी बात नहीं करी, पर बनाया तो है, कॉन्टेंट तो दिया है, जब इतना कॉन्टेंट दिया है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो बस कुकिंग करके इस शो में आगे बढ़ी हैं, तो हमें नहीं लगता। और यू नो जैसा हमने नो पहले भी बोला कि भाई ऐसा नहीं है, जो साइना मिर्ज़ा और साइना नेहवाल से कंपैरिजन जो किया है शिल्पा का वो भी बिल्कुल सेम है, चाहे वो स्पोर्ट्स में, तो ये एक्टिंग की में है, घर में थोड़ी बैठी हाउसवाइफ थोड़ी है, जो काम है, और हाउसवाइफ का भी अपना बहुत बड़ा एक ओहदा होता है, हाउसवाइफ घर संभालती हैं और बहुत बड़ा ओहदा है, सबके बस की बात नहीं है वो, तो हम तो हाउसवाइफ की भी बहुत इज्जत करते हैं, पर शिल्पा इज मोड़ा हाउसवाइफ जिनको टैग किया जा रहा है कि बस कुकिंग बना कर ही जा रही हैं, तो भी बाहर निकली हैं, जैसे सानिया मिर्जा बाहर निकली हैं, साइना नेहवाल बाहर निकली है, तो वो भी निकली हैं, और यू नो ये बात प्रूव हो जाती है आज, बिकॉज जो विकास सिटी वाला टास्क था उसमें तो शिल्पा ही छाई रही, चाहे विकास को टास्क विकास को दिया, पर एक तरह से आप देखेंगे पूरे टास्क को अगर देखेंगे तो चाहे वो विकास को दिया गया, पर कहीं ना कहीं जो विकास और रीना है वो तो अपनी गेम में फंस गए, ट्रैप में फंस गए वो, क्योंकि देखिए दोनों क्या कर रहे थे, अभी तक तो दोनों गलतियां निकाल रहे थे शिल्पा की, पर अब विकास दिखाना चाह रहे थे कि हीना गंदी है, हीना दिखाना चाह रहे थे कि विकास गंदे हैं, और आप देखेंगे आज वाले एपिसोड में डे 103 में भी कि जो विकास हैं हीना को जब वापस गेम में लाएंगे, आज तो उन्होंने हीना के साथ नहीं करवाया टास्क, शिल्पा से करवाते रहे, पर
आज जब हिना के पास लेकर आएंगे तो दोनों का बस यही था, यही होगा पूरा नजरिया उनको कि भाई कैसे मैं डाउन ना हूँ, मैं गंदगी ना दिखूँ, मैं गंदा ना दिखूँ और दूसरा गंदा दिखे। तो आई थिंक अपने ट्रैप में फंस गए हैं दोनों। और वहाँ शिल्पा ने कितना बड़ा बढ़िया टास्क किया, और वहाँ पुनीश तो भाई एज अ ऑडियंस बैठे हैं, जैसे हम ऑडियंस हैं यहाँ से देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है पुनीश भी घर में अंदर ऑडियंस बन के बैठे हैं। तो पर देखिए जो भी हो रहा है, जो भी ट्रैप में फंसे हैं, इसका जो फायदा अब शिल्पा को मिल रहा है कहीं ना कहीं। और शिल्पा क्या लगी हैं आज, देखिए उनकी फोटोज़ यहाँ नहीं दिखा सकते अभी, यू नो बिकॉज आज नहीं कर रहे, फोटोज़ नहीं डाल रहे फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट दिखाना चाहते थे और देखिए घूरना चाहते थे, स्टेयर करना चाहते थे। क्योंकि भाभी जी याद जो विकास सिटी में आई हैं, अरे अरे भाभी जी घर पे हैं कि याद आ गई, बिल्कुल जो उनको मिस कर रहे थे इतने दिनों से, जो भाभी जी वाला उनका कैरेक्टर है। और क्या लग रही थी, क्या खूबसूरत लग रही थी, हमें लग रहा है कि मतलब जो हिना है और जो शिल्पा है दोनों इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं और दोनों ही साथ में थी। और वो जो कर रहे थे ना विकास, जो ट्राई कर रहे थे, अगर वो होता तो मज़ा आ जाता, जो उन्होंने पूरा प्लान किया था भाई दोनों बहनें, और दोनों बहनें जैसे किस कर रही थी तो जो ऑडियंस हैं वो बस कहीं हिले नहीं होंगे। पर वो हो ना पाया और वो हो ना पाया क्यों, बिकॉज देखिए हमें लगता है कि जो हिना है सही में टीज कर रही थी विकास को, विकास ने थोड़ा ज़्यादा ओवर कर दिया। बिकॉज अगर वो होता वो सेगमेंट बहनों वाला और बहनों का डांस होता और वो सब कुछ होता तो बहुत मज़ा आता। पर क्या कहते हैं ना कि जो किस टाइम से पहले सब कुछ नहीं मिलता, तो हम ऑडियंस जो हैं हमें उतने ही से गुजारा करना पड़ेगा। पर नारंगी रंग में जो साड़ी पहन के आई है शिल्पा, ओहो ओहो हो, पॉज कर करके भी अगर आप यू नो वो 6-7 घंटे भी देख लेंगे तो मन नहीं भरेगा। और ये जो बिग बॉस ने दिया है लास्ट हफ्ते में, एज अ व्यूअर, एज अ फैन, सल्यूट और हाथ जोड़ के आपका नमन, थैंक यू सो मच। और आज हिना भी बहुत खूबसूरत लगने वाली है, तो क्या होता है आज देखेंगे। और बाद में जो एंड में देखिए आउटरों में जो शिल्पा ने फिर से चेंज किया और वो जो फिर एक और कैरेक्टर में आई वो भी बहुत बढ़िया था। तो आज तो भाई खूबसूरती का दिन था। और आज बिग बॉस में जो ग्लैमर था उसका कोई भी आप देखेंगे पूरे यूट्यूब पे या हर जगह किसी भी टीवी चैनल पे इतना ग्लैमर नहीं है। वो सास बहू वाला, एकता कपूर वाला, वहाँ भी इतना ग्लैमर नहीं है जितना आज बिग बॉस के घर में दिखा। तो बहुत बहुत मज़ा आया, पर थोड़ा सा टास्क का थोड़ा फीका इसलिए हो गया क्योंकि जो विकास थोड़ा ओवर हो गया। हमें लगता है कि जो हिना है, हिना बहुत अच्छे ढंग से टास्क करना चाहती है, लेकिन टास्क में उसके जितना फाड़ू कोई है नहीं। और हिना जितने अच्छे ढंग से शेर खान की तरह टास्क करती हैं, हमें लगता है कि बहुत बहुत बढ़िया करती हैं और वो बहुत बढ़िया और करती हैं। पर थोड़ी सी इनकी जो है ना, ये इसमें अपने जो ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, इनसिक्योर हैं कि हम नेगेटिव दिखेंगे नेगेटिव दिखेंगे। उस चक्कर में हिना ने तो पहले ही बोल दिया अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में बोला, जो कि आई बिलीव जहाँ वो जिसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। और वो सारा देखिए कैमराज हैं तो वो सारा आ गया, और विकास ने इतनी बार रिपीट कर दिया कि वो सबको व्यूअर्स को भी पता चल गया अब कितना काटते हो एडिट में। तो जो हिना भी आई थिंक उनको ये चीज़ बारे में बात करनी ही नहीं चाहिए थी, पर अगर कर भी थी तो आई डोंट नो व्हाई ये शो में दिखा रहे हैं ये सब कुछ। हमें नहीं लगता थोड़ा दिखाना चाहिए ये, आई थिंक एवरीबडी वॉज गेटिंग एम्बेरस्ड एज अ व्यूअर, आई वॉज गेटिंग एम्बेरस्ड वाई दे आर टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ। और वो दिखा क्यों रहे हैं अगर कर भी रहे हैं वो लोग बात, बट कितना एडिट करेंगे, बिकॉज जो विकास ने बार बार बोल रहे थे और जो हिना है अपनी उसमें चंगुल में फंस गई है, यू नो। पर आई होप यू नो जैसा दिखा रहे हैं आउटरों में वो आज टास्क करेंगे। पर आज जो है दोनों की जो लड़ाई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और शिल्पा का इसमें पूरा बेनिफिट मिल रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। पर गाइज एक तो चीज़ है, जो विकास जिस तरह से कर रहे थे पूरे जो दे रहे थे टास्क, वो विकास ने बहुत बहुत बढ़िया करा। और आई बिलीव थोड़ा सा इन दोनों का विकास और हिना का नहीं होता तो और अच्छे टास्क दे सकते। पर जो वो यू नो कह रहे थे कुंवर साहब को बिठा कर साथ में बोल रहे थे मुझे खिलाइए, वो थोड़ा फ्लर्टिंग भी लगा और हमें लगा कि विकास कहीं ना कहीं थोड़ा सा यू नो एडवांटेज ले गए इस टास्क में। और आई एम श्योर कोई भी होता, और अगर एकाश होते, सोचिए अगर एकाश को बना देते ये यहाँ एकाश सिटी बना देते तो क्या होता। हमें लगता है कि थोड़ा सा लेट कर दिया बिग बॉस ने, और लास्ट हफ्ते एकाश को ये टास्क मिलता तो उसके अलग ही लेवल होता, बिकॉज जो आकाश हैं वो पागल हो जाते हैं, और वो पागल हो जाते अगर आकाश सिटी बनाकर और डिक्टेटर बन जाते तो यहाँ कुछ और ही होता। तो थोड़ा सा लेट हो गया, पर कहते हैं ना जैसे देर आए पर दुरुस्त आए, तो मज़ा आया और आज भी वो कंटिन्यू रहेगा। तो देखेंगे आज क्या होगा। पर गाइज दैट वाज द रिव्यू, आई एम सो सॉरी आई विल नॉट बी एबल टू डू लाइव चैट, बट दिस इज व्हाट आई नीड टू टॉक टुडे। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में सब बोल रहे हैं कि काश भाई बात करिए, डैश गर्ल बोला है एक कंटेस्टेंट ने दूसरे कंटेस्टेंट को। गाइज आई रियली डोंट वांट टू गेट इनटू दिस सब्जेक्ट, बिकॉज देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें होती ना बिलो द लाइन होती हैं, और वो लेवल आप टीवी पे देख रहे हैं पर वो आकाश भाई के पीपोय फैम पे नहीं देखेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि अब्यूजेस मत करिए इस चैनल पे, इस चैनल को क्लीन रखिए, यूट्यूब को क्लीन रखिए, ऐसे ही यू नो इस शो को, इस रिव्यू को भी क्लीन रखना चाहते हैं। तो उस टॉपिक पे थोड़ा सा
यू नो बियॉन्ड द लाइन है तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे. आई बिलीव अगर बोला है नहीं बोला यू नो लेट्स लीव इट एट दैट. आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बट दैट वाज द रिव्यू. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट आकाश भाई डू यू नो फॉलो मी ऑन द लिंक्स इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन और ऑल्सो यहाँ जो दूसरा चैनल है आकाश भाई का अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ तो आकाश भाई मिल ही जाएंगे आपको तो जरूर उसको भी सब्सक्राइब करिए जितने भी लोग देख रहे हैं एंड कीप सपोर्टिंग ऑन ट्विटर कीप सपोर्टिंग ऑन इंस्टाग्राम ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. आई एम गेटिंग योर मैसेजेस आई एम गेटिंग योर यू नो कॉम्प्लीमेंट्स so thank you so much and that is what today's review was. So milenge ek bar phir se kal ek aur review ke sath live stream nahi kar pa rahe par kal phir se day 103 review karenge aap sabke sath to judiyega phir se aur zarur isko phailaye review ko aur like kare is video ko aur wait kare next video ki. To chaliye aap se alvida lete hain. Khuda hafiz sat sri akal ram ram cheers and goodbye.